जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम नमोकार सिनेमा चैनल पर आपको रिव्यू दिखाएंगे स्टार कास्ट के साथ कार्तिकेय 2 का। कार्तिकेय 2 की स्टार कास्ट आई हुई है आज PVR दिल्ली में और उनके साथ हम इस फिल्म को एंजॉय करने वाले हैं, वो भी हिंदी वर्जन में। तो काफ़ी सारी हमारी जो ऑडियंस है वो कह रही थी कि राहुल जी आपने इस फिल्म का रिव्यू नहीं किया, तो बस मुझे इंतज़ार था एक अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, तो आज वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। तो इस फिल्म को सबसे पहले देखते हैं और साथ ही आप लोगों को स्टार कास्ट का भी इंटरव्यू सुनाएंगे कि उन्हें कैसा फील आ रहा है। यहाँ पर इतनी सारी भीड़ आई हुई है, जैसा मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब जैसे कोई सेलिब्रेशन हो। जब तक मेरे पास ना आए वह समस्या है, एक बार मुझ तक पहुंच गई तो वो समाधान है। अग्रवाल जी ने प्रोड्यूस की है मूवी, तो कौन ऐसा नहीं है, कोई भी शख्स जो इन्हें नहीं जानता है, लेकिन इनके उसे हम जानना चाहेंगे। इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कार्तिकेय 2 को। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा पूरे भारत का जो रिस्पांस दे रहे हैं, और ये प्रूफ होता है कि कंटेंट बनाऊं तो लोग देखते हैं। नमस्कार सुरेश जी, तो कैसी लगी आपको? बहुत बहुत जबरदस्त, और ये धर्म और विज्ञान का जो कॉम्बिनेशन है इसको निश्चित तौर पर नए युवा पीढ़ी ने देखना चाहिए जी। और कार्तिकेय की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? पूरी टीम ने, केवल कार्तिकेय नहीं, सभी ने बहुत अच्छी की है। कार्तिकेय ने तो अच्छी की ही है। फिल्म कितनी चल पाएगी बॉक्स ऑफिस पे, क्या लगता है? अगर ये नहीं चली तो मैं दुर्भाग्य कहूँगा, ये चलनी ही चाहिए। एक्चुअली मैं उधर से इधर इतना हिट करने वो ऑडियंस को थैंक्स बोलने के आया इधर शो अभी 300। हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑल आर गिविंग जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा का मूवी अच्छा है, डायरेक्टर का ऑल मदद दे दिए। प्लीज कंटिन्यू दिस वन, प्लीज ब्लेस। लेकिन मामा जी, बहुत बार अपना बांजा को छोड़कर भाग गया। भाग गया। आपको कैसा लगा मूवी? हमको बिल्कुल अमेजिंग, हम लगता है कि सबको प्रमोट करेगा, बहुत बोलेगा सबको देखने। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, आपको पसंद लगे तो ऐसा करेगा ना। हाँ, कही आप। It was a nice movie and amazing concept. हमको लगता है आप और भी movies में entertainment। Actually कृष्णाष्टमी के आपका घर में बच्चा कृष्णाष्टमी क्या है बोले तो आप बोलो, एक बार ये मूवी भी दिखाए तो इजी वो नरेशन इजी रहता है। प्लीज थैंक यू सर, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। थैंक यू वेरी मच। और बस हमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस चीज की है कि पार्ट 3 हमें कब तक मिल जाएगा, थोड़ा सा। डेफिनेटली आई मीन अमंडा आवर हीरो एंड आई हैव एन इमीडिएट कमिटमेंट, आफ्टर फिनिशिंग दैट डेफिनेटली वी आर गोना मेक अ पार्ट 3। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ दैट पार्ट बेसिकली? ऑल आई कैन से इज सो बिगर बेटर देन कार्तिकेय 2। अच्छी तरह से साइंस के साथ मिक्स करके जो प्रेजेंटेशन थी कैसी लगी? बहुत अच्छी, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। क्या लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट की भी नीड थी या आपको लगता है बहुत बेटर वे में रिप्रेजेंट? इट वाज सच अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड बहुत ही अच्छा लगा फिल्म देख के। क्या रेटिंग देना चाहेंगी मैम आउट ऑफ 5? 3। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है, गुड मूवी, वेरी गुड। चलेगी? ये बहुत अच्छा था कि इंडियन माइथोलॉजी को बिल्कुल इंडियन साइंस कैसे दिखाया है, कि मतलब कैसे हमारी माइथोलॉजी भी रियल हो सकती है, और कैसे हम लोग हिंदुइज्म या मुस्लिम कोई भी हो रिलीजन, एंड में हम लोग इंडियंस ही रहते हैं। क्या ये लगता है आपको एक्चुअल में जो श्री कृष्ण के जितने भी सिद्धांत हैं वो विज्ञान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है? हाँ, क्योंकि मतलब कुछ भी हो, बहुत सारे रामायण या महाभारत कुछ भी हो तो उसके बहुत सारे सबूत मिले। कुछ लोग कहते हैं हाँ हो गया होगा, उसके ऊपर स्टोरीज बनाइए, कुछ लोग नहीं पता। आराम से 4.5। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आप क्या कहना? नहीं, बहुत ही अच्छी मूवी है और आई एम श्योर आने वाले समय में सुपर हिट होगी। अभी जैसे मूवीज़ का दौर चल रहा था, जैसे हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को थोड़ा नीचे गिरा के, मजाक उड़ा के मूवीज़ बनाते थे, उसका अब ज़माना बदल रहा, जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है और जिस तरीके से इस कार्तिकेय 2 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो दिख रही है उससे लग रहा है कि ये सुपर डुपर हिट होगी और मूवी बहुत अच्छी है। आई एम प्रीटी श्योर आप खुद भी आइए और अपने बच्चों को भी लेके आए, जिससे वो अपने कल्चर के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में और जान सकें। मूवी के बारे में देखिए, बहुत बहुत ही कार्तिकेय, मैं तो वैसे सरप्राइजिंगली देखने पहुंचा, बट इट वॉज एन अमेजिंग मूवी।
धर्म को साइंस के साथ रिलेट करके दिखाया है, जो कि एक्चुअली में हिंदू रिलीजन है, शास्त्र को साइंस के रिलेटिविटी में समझाया है। जो आज का यंगस्टर वोकिज्म की तरफ जा रहा है और वो हर बात पर धर्म को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं से मजाक उड़ा करके रिलीजन को कंटेम्प्रेरी स्टाइल में अपने, उनको ऐसा लगता है वो बहुत मॉडर्न है और बहुत ख्यालात के हैं और वो मजाक उड़ाने की, मौकरी करने की कोशिश करते हैं जानने की बजाय। तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत अहम मूवी है और उन लोग को देखनी चाहिए कि नॉट टू मेक फन ऑफ योर रिलीजन, नॉट टू मेक फन ऑफ योर गॉड्स, अंडरस्टैंड दिस इज ऑल साइंस। क्या लगता है ये जो यूथ जो है आप कह रहे हैं कि मौकरी करने की कोशिश करता है, कि उनकी आंखों पर पर्दा डाला गया है इतने सालों में, इतिहास को ओझल करने की कोशिश की गई है, या ऐसा लगता है कि मतलब एक्चुअल में कुछ ना कुछ ट्रुथ या कुछ बुक्स में इनसे रिलेटेड फैक्ट्स उन्होंने ऐसे ही पढ़े? देखिए, बच्चा सबसे पहला जो माइंडसेट और थॉट अपना बनाता है वो स्कूल की किताबों से बनाता है। हमारे यहाँ हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता था उसमें बाबर को ग्लोरीफाई किया गया है, मुगल शासकों को ग्लोरीफाई किया गया है, हमने तो कभी उसमें महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में, जब मैं खुद स्कूल में था तो मैंने खुद नहीं पढ़ा। तो उनका माइंडसेट और फ्रेम ऑफ जो उनका माइंड है वो शुरू से ही मेकअप करना शुरू करते हैं। फिर उनको फिल्मों में दिखाते हैं कि पंडित जी वाला विलन बनता है और बिल्ला नंबर 786 वाला हीरो होता है, वो नमाज, वो कौन सा दिन होते हैं जुम्मे की नमाज के दिन वो हाथ नहीं उठाते, हमने देखा कितने पत्थर उठाए। तो वो एक, हाँ वो एक फॉर्मेट है और वो उनको यंग एज से ही सिखाया गया है कि थिंक इन अ डायरेक्शन ऑफ दिस वे। और सेक्युलरिज्म की कूलनेस उनको बताई गई है कि अगर हिंदू पर एट्रोसिटी होगी अगर बोलोगे तो आप कम्युनल हो, और मुस्लिम पर एट्रोसिटी होगी आप बोलोगे तो आप सेक्युलर हो। सो दैट इज़ द वे दे हैव बीन क्रिएटेड। और इसका बहुत बड़ा रोल जो आज की डेट में है वो स्टैंड अप कॉमेडियंस कर रहे हैं, हिंदू रिलीजन की मौकरी कर लेना और उनको मौकरी करके कभी किसी गॉड का मजाक उड़ाना, किसी की आस्था का मजाक उड़ाना, और फिर वो बैठ के जो बच्चे आगे हंसते हैं तो उनको यंग एंड कूल लगता है कि चलो हैव अ चिल ऑफ बियर एंड हैव अ चिल ऑफ व्हिस्की और उसके साथ आप अपने भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये उसी फॉर्मेट का हिस्सा है जिसके थ्रू उनका पूरा ब्रेन वॉश किया गया है। और सबको ये पिक्चर देखनी ही चाहिए क्योंकि वो जो चिकनी चमेली और वो पौवा चढ़ा के वो वैसी वाली जो है वो ठीक है, उसको 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 हाँ उसको आप अभी साइड होने की ज़रूरत है, उसको आप साइड रखना भी चाहिए, ये टाइम है हटाने का। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक समय था जबकि हिंदू इतिहास को दबा कर रखा गया था और बॉलीवुड ने बहुत कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश भी की, इसीलिए कहते हैं कि साउथ का सिनेमा, जिसको हम इंडियन सिनेमा ही कहेंगे क्योंकि अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करना अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता एक देश में, तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स भी मिलने वाली है मूवी को, और कार्तिकी वन भी बहुत अच्छी है, हमने देखी हुई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और अपने इतिहास को अगर चाहते हैं कि उजागर हो तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं रेटिंग देना चाहूँगी 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। और ऐसे और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।